हरियाणा सरकार की घोषणा पर कार्य करते हुए नगर परिषद पलवल भी 20 साल पुराने कमेटी की दुकानों के किरायेदारों को मालिकाना हक देने की दिशा में धरातल पर कार्य कर रही है। आगामी 26 जनवरी तक पलवल के 287 कमेटी किरायेदारों को मालिकाना हक मिलने की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। अब तक 90 दुकानों की पैमाइश का कार्य पूरा हो चुका है। बता दें, आज इन दुकानों के मालिकाना हक के लिए वर्षों से संघर्ष कर रहे रोहताश खत्री ने नगर परिषद में कार्यकारी अधिकारी मनोज यादव से मुलाकात की तथा ताजा स्थिति को जाना। कार्यकारी अधिकारी मनोज यादव ने उन्हें बताया कि चिन्हित की गई सभी 287 दुकानों की पैमाइश का कार्य करवाया जा रहा है। प्रयास रहेगा कि 26 जनवरी तक कार्य पूर्ण करके पात्र किरायेदारों को मालिकाना हक दे दिया जाएगा। रोहताश खत्री ने कहा कि उन्हें कार्यकारी अधिकारी मनोज यादव के आश्वासन पर पूरा भरोसा है। किस रिकॉर्डिंग मिल रहे थे यो सबसे? यो सबसे हम दुकानों के बारे में मिले आए हैं जो कमेटी क्या क्या मामला है, कितना समय लगेगा? टाइम तो अभी थोड़ा लग रहा है, पर हमें यो साहब से हमेशा 100% ये मिला है आश्वासन कि ये चीजें आपकी करके जाऊंगा का होगी। दुकानदार नगर परिषद के जो किराएदार हैं पुराने, वो आज आपसे मिलने आए हुए हैं, तो क्या मामला है और कितना इसमें और समय लग रहा है और क्या आपने इनको आश्वासन दिया है? आश्वासन क्या जी, हम इनको बहुत जल्दी इसे मालिक बनाना चाहते हैं। सरकार की भी नीति है, थोड़ा हमारे पास स्टाफ की कमी की वजह से थोड़ा हम उनके जो पैमाइश वगैरह उस पर थोड़ा समय लग रहा है। मैंने अभी लगभग 90 दुकानों के पैमाइश करवा दी है, वो जल्दी मेरे पास डिटेल आ जाएगी और